हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे, वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए, वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक-एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक-एक हीरा है। आप लोग एक-एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना, ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे, उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करें। हमें जनता का दिल जीतना है, लोगों के लिए काम कराने हो लोगों के, तो आप जरूर अपने मंत्रियों से मिलने जाना। लेकिन किसी अपने हलके के डीसी और एसपी और थानेदार की पोस्टिंग कराने मत जाना। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई, और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें, अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट, एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। ईमानदारी से काम करना है। हमने बार 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 अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने को इतना प्यार मिला है पंजाब की जनता से, मेरे को पता चला कई दूसरी पार्टियों के नेता, उनके घर में उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने हमको वोट पाई है। सोच सकते हो, हमें 5 साल के अंदर लोगों का इतना दिल जीतना है, 3 करोड़ पंजाबियों का दिल जीतना है कि अगली बार इनको एक भी वोट नहीं पड़नी चाहिए। अभी तो इनके बच्चों ने और बीवियों ने डाली, अगली बार इनके वोट भी हम ही पड़ेंगे। अपने को ऐसा माहौल तैयार करना है।